दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स हिस्ट्री स्पोर्ट्स। दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करूंगा जो आगामी टेस्ट सीरीज है ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच। चार टेस्ट मैचों की सीरीज खेल ली जानी है और इसमें ऑस्ट्रेलिया की टीम को एक झटका लगा है। जी हाँ, उनका स्टार खिलाड़ी बाकी जो पहले दो टेस्ट हैं उनमें से बाहर हो गया है। जी हाँ, वो हम बात कर रहे हैं जॉस हेजलवुड की। जॉस हेजलवुड दो टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे तो ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए काफ़ी बड़ा झटका है, क्योंकि वो काफ़ी शानदार गेंदबाज हैं और भारतीय परिस्थितियों का उनको काफ़ी ज़्यादा अनुभव भी है और ऑस्ट्रेलिया की टीम को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। लेकिन भारतीय बल्लेबाजों के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। लेकिन यहाँ पर भारत की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर काफ़ी अच्छी तैयारी कर रही है। वह स्पिन डिपार्टमेंट में अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रही है। पिछले 20 साल से ऑस्ट्रेलिया टीम घरेलू सरजमी में भी भारत पे टेस्ट सीरीज नहीं जीत पाई है, तो यहाँ पर इस कमी को भी पूरी करना चाहिए। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की साइड की बात की जाए तो मार्कस लागोसाने, स्टीव स्मिथ काफ़ी अच्छी फॉर्म में हैं और उन्होंने लगभग हर जगह रन बनाए हैं। तो भारतीय टीम की बात की जाए तो यहाँ पर विराट कोहली, शुभमन गिल और रोहित शर्मा पर निगाहें होंगी, यहाँ पर चेतेश्वर पुजारा पर निगाहें होंगी और रविंद्र जडेजा काफ़ी लंबे समय बाद वापसी कर रहे हैं, तो यहाँ पर ऋषभ पंत की कमी तो लगभग खलेगी ही। लेकिन यहाँ पर देखना होगा ईशान किशन या केएस भरत में किसको मौका मिलता है। अगर यहाँ पर ऋषभ पंत की बात की जाए तो यहाँ पर ईशान किशन का दावा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आपके ऋषभ पंत भी लेफ्ट हैंड बल्लेबाज थे, खब्बू बल्लेबाज थे। तो यहाँ पे ईशान किशन भी काफ़ी अच्छी हिटिंग करते हैं और एक उनका अटैकिंग गेम है जो पंत की शैली से थोड़ा बहुत मेलजोल खाता है। तो आप देखना होगा कि भारतीय टीम मैनेजमेंट किसको मौका देता है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको बहुत जल्द एक नए वीडियो में। जय हिंद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।